मेरा नाम मनीष है, मैं ट्रिपली स्ट्रीम से हूँ और आज मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया है। तो गेट का एग्ज़ाम का मतलब लेवल पेपर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग टफ था और जो एप्टीट्यूड सेक्शन था वो लगभग सही था, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन था इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा टफ था। सो आई एम अपूर्व, आई कम फ्रॉम जमशेदपुर एंड द थिंग इज दैट द पेपर वाज लिटिल अनएक्सपेक्टेड। आई वोंट से इट वाज टफ बट इट वाज लिटिल अनएक्सपेक्टेड यू कैन से। इन द पेपर वी सॉ दैट इन मशीन्स क्वेश्चंस फ्रॉम सिंक्रोनस मशीन्स केम एट many questions were from synchronous machines, induction machines was not even present there, control systems paper was little moderate, and the questions from network theory was also easy, and as talking about different subjects, I saw that analog electronics had a major part to play in the paper, and digital electronics was virtually not present, and पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैड मॉडरेट क्वेश्चंस एंड इट वाज आल्सो इन गुड नंबर्स। मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है, मैं अभी डबल ई से गेट का पेपर देकर आया हूँ। लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार का पेपर कुछ ज़्यादा टफ मुझे लगा, और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमेशा से आ रहे थे वो नहीं आए, जैसे नेटवर्क से टू पोर्ट से क्वेश्चन नहीं आया, और वो मशीन्स में क्या बोलते हैं इंडक्शन का एक क्वेश्चन आया वो भी कुछ अलग ही था। मतलब जो क्वेश्चन चल रहे थे, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन गेट में लगभग मिला करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं मिला और लास्ट ईयर का कंपैरिजन तो पेपर टफ लगा मुझे। हाय, मेरा नाम कुणाल है, मैं जस्ट अभी पेपर दे के बाहर आ रहा हूँ। तो आज का जो पेपर था लास्ट ईयर के कंपैरिजन मॉडरेट था, जैसे इसका जो लेवल है ग्रेजुअली बढ़ा है धीरे धीरे करके, जो नेटवर्क और मशीन जितने भी कोर सब्जेक्ट है पावर सिस्टम वगैरह जो अगर मेडिजी के नोट से आपने पढ़ा है तो प्रॉपरली उसी से आया है, थ्योरेटिकल पेपर तो उसी से आया है। पेपर वॉज क्वाइट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कंट्रोल सिस्टम इज़ वेरी इजी, सिग्नल इन सिस्टम इजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्चुअल, पावर सिस्टम भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड मशीन प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड मैथ्स कर सकते हो आप। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए थे, मतलब वेक्टर से ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। ओवरऑल एनालिसिस करूँ तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा इस बार। माई सेल्फ विक कुमार, आज मेरा इलेक्ट्रिकल डबल ई का गेट का 2020 का एग्ज़ाम था, तो पेपर लाल बहुत ज़्यादा जो कोर सब्जेक्ट है ना वो आए ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ज़्यादा थे जैसे एनालॉग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल ज़्यादा थे ना, और जो इलेक्ट्रिकल के मेन सब्जेक्ट थे ना जैसे मशीन है और नेटवर्क है, नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं था, और मैथ भी नहीं था। मैथ के कुल मिला के 6 या 7 नंबर का मैथ होगा, जो एस्टिमेट 15 नंबर का आता है, और एप्टीट्यूड लेवल का वही था, इजी होता है।